हाय एवरीवन, इट्स मी आशमी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों से ये लुक शेयर करने वाली हूँ और ये है ईद का बहुत ही बजट में ही है ये ईद लुक और बहुत ही प्यारा लगने वाला है, बिल्कुल आपके बजट में है, आपके पॉकेट मनी में है ये मेकअप। सोया आप लोग को आई होप अच्छा लगे हो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ बेल आइकन बजाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, जो कि आप लोग हमेशा भूल जाते हैं। प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना यार, क्योंकि मुझे आप लोग के कॉमेंट्स बहुत अच्छे लगते, तो हाँ कॉमेंट ज़रूर से करना वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी। ओके ना, तो हमेशा हमेशा बने भी रहना। और हाँ, आई होप आप लोग को मेरा सारा का सारा रिसेंट लुक्स अच्छा लग रहा हो, तो कमेंट्स करके बताना लुक अच्छा लग रहा है या नहीं और क्या मुझे और चेंजिंग करने चाहिए अपने वीडियोस में, ये भी आप लोग ज़रूर से कमेंट्स करके बताना। ओके ना, सो चलो स्टार्ट करते हैं ये मेकअप लुक। सो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई मेकअप विथ पॉन्स बीबी क्रीम। बीबी क्रीम से क्या होता है कि हमें कोई भी मॉइस्चराइज़र, प्राइमर एंड ऑल ये सब अप्लाई करने के लिए करना नहीं पड़ता है, कुछ कंपलसरी नहीं होता है वो सब अप्लाई करना, इसीलिए ईद के दिन एक्चुअली हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा हेवी नहीं कुछ भी करना चाह रही हूँ, तो बस बीबी क्रीम से हम लोग का काम चल जाएगा। लाइट एंड लाइट मेकअप रहेगा तो अच्छा भी लगेगा, जो गेस्ट आएंगे वो बुराइयाँ भी नहीं करेंगे कि आपकी बेटी बहुत मेकअप करती है। और अब मैं अपने हेयर्स को मैं टाई कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और पूरे कॉम्पैक्ट से हम लोग अपने फेस को सेट करेंगे क्योंकि बीबी क्रीम अप्लाई करने के बाद कॉम्पैक्ट से सेट करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो बीबी क्रीम है वो मेल्ट नहीं करेगा और अपनी जगह पर टिका रहेगा। तो अब हम लोग आईब्रोज़ को फिल करेंगे, जो बेसिक है इस ईद पर मेकअप करने के लिए सिर्फ मैं वही कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेवी लुक हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे, वरना फिर आप लोग तो जान रहे हो कितनी ज़्यादा बुराइयाँ होने लगती हैं और हमारे पास टाइम भी नहीं होता है यार। और इतना ख़तरनाक वाला जो गर्मी है, इतनी ख़तरनाक वाली गर्मी में कौन करेगा इतना हेवी लुक। और देखो, देखते ही देखते बात करते करते आईब्रोज भी फिल होगी, आईब्रो को कॉम कर लेंगे इस तरीके से इस पूरी ब्रश की हेल्प से। और अब फिर से एक अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट पाउडर से हम इस तरीके से सेट कर लेंगे अपने आईलिड्स को। और हाँ, और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर एल्विन का आई शेडो पैलेट, इसमें मैट और शिमर शेड्स हैं, तो इसमें से मैं ये ऑरेंज है, ऑरेंज कलर नहीं है, थोड़ा सा रेडिश ऑरेंजिश दोनों मिक्स है, और वो और पिंक कलर में मिक्स करके अप्लाई करूँगी। और सिर्फ बहुत ही हल्का अप्लाई करूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, बट ये थोड़ा सा डार्क हो गया था तो मैं बाद में उसको और भी ज़्यादा हल्का हल्का कर ले रही थी, क्योंकि इस लुक में हमें बस बहुत ही हल्का आई मेकअप लुक चाहिए, बहुत हीवी नहीं चाहिए, जो कि अट्रैक्टिव भी लगे, अच्छा भी लगे, देखने में लुक भी बेस्ट है। इसी तरीके का हमें कुछ आई मेकअप करना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक आई लुक हम लोग क्रिएट करके बैठ गए हैं, तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। और हाँ, ये भी बताना कि आप लोग को आजकल मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, क्योंकि पता है बहुत मेहनत की। अब मैं ले रही हूँ ये गोल्डन शिमर कलर, जो कि बहुत ही लाइट गोल्डन है, एकदम लाइट लाइट लाइट, तो आप लोग देख सकते हो। इसको मैं इनर आईलिड्स पर प्लेस करूँगी इस तरीके से, और उसके बाद तो फिर ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं दोनों को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूँगी ताकि बीच में कोई भी हार्श लाइन नहीं रहे। और अब हम लोग लेंगे आईलाइनर। तो अगर आप लोग मेरा आईलाइनर वीडियो नहीं देखी होगी, मैं उसमें 6 टाइप का आईलाइनर्स लगाने का बताई हूँ, और हाँ बेसिक स्टेप्स भी मैं बताई हूँ कि आप लोग किस तरीके से बेसिक स्टेप फॉलो कर करके एक हेवी आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हो, एकदम बोल्ड आई लुक ड्रॉ कर सकते हो। सो अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, चेकआउट ज़रूर से कर लेना, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं उन सभी के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि मेरे बैकग्राउंड आजकल लोगों को कैसे लग रहे हैं। एक्चुअली देखो, मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स तो है नहीं, बट हाँ जितने हैं बहुत हैं यार, लाइक मानना पड़ेगा हाँ है बहुत, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था मेकअप में। और हाँ, अगर आप लोगों का भी इंटरेस्टेड हो ना मेरी स्टोरी जानने के लिए कि मैं किस तरीके से यूट्यूब पे आई मैं, तो हाँ कमेंट्स करना, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बट अभी नहीं, 15,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये मस्करा, जो कि हमारा किस ब्यूटी का मस्करा, इसको पता है मैं ऑफलाइन परचेज़ की थी तो मुझे 250 के अराउंड का पड़ा था, बट मैं इसको फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन देख रही थी तो वहाँ पे 110 रुपीज़ शो कर रहा था और 50 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस, मीन्स 160 रुपीज़ शो कर रहा था। आई डोंट नो वाई इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों। और अब मैं यहाँ पर LA18 का ब्लैक काजल ले रही हूँ, इसे बोल्ड अप्लाई करेंगे अपने वाटर लाइन पर अच्छी तरीके से, और इस तरीके से हैंड से फिंगर से स्मच कर देंगे। और अब सेकेंड आई और आईलैशेस मैं अप्लाई करती हूँ, तो बस देखते देखते हमारा सेकेंड आई लुक भी रेडी हो गया और फॉल्स लैशेज भी हमारे लैशेज पर लग चुके हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं फिर से कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने फेस को अच्छी तरीके से सेट कर लेने, क्योंकि यू नो ना जितने भी फॉल्स वगैरह हुए होंगे आई शेडो का वो सभी हट जाएंगे। और अब हम लोग अप्लाई करेंगे लिप लाइनर, तो मैं यहाँ पर पर्पल टोन ले रही हूँ लिप लाइनर का,
और इस तरीके से हम लोग पाउट करते हुए लिप लाइनर लगाएंगे ना, तो हमारा एक अच्छे वे में लिप लाइनर लग जाएगा और फिर हम अपने पूरे पूरे लिप्स को अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा लिपस्टिक है वो लॉन्ग लास्ट रहेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ईद के दिन काम भी बहुत होता है, गेस्ट भी बहुत लोग आते हैं और बार बार टचअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मेकअप इस तरीके का करेंगे जो कि अच्छा भी लगे, लॉन्ग लास्ट लगे। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे वाइन कलर का लिपस्टिक, जो कि मेरा बेबी का लिपस्टिक है। ये मेरा बहुत ही फेवरेट वाला कलर है लिप शेड में, और ये मैं ऑफलाइन परचेज़ की थी। तो यह आप लोग देख सकते हो लाइट आई लुक के साथ ये बोल्ड लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं ब्लश के लिए, तो एक लाइट शेड एक डार्क पिंक शेड हम लोग पिक करेंगे और इस तरीके से एज अ ब्लश अप्लाई करेंगे। हमारा लाइट पिंक था उसको अपर साइड की तरफ अप्लाई करेंगे और डार्क पिंक वाला लोअर साइड की तरफ अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, एक हाइलाइटर के जैसा भी वर्क करेगा हमारा ये ब्लश। ओके, इस तरीके से हम लोग आराम से पूरी पूरे। अब हाइलाइटर का बारी आता है, तो हाइलाइटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। चमकेंगे नहीं धमकेंगे नहीं भाई, तो तारीफ कैसे होगी। तो चमकने के लिए तो हाइलाइटर चाहिए ही। अब इनर ग्लो भी है भाई, बट जानते हो ना मेकअप के बाद ग्लो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से पूरे पूरे फेस पर जितने भी हमारे पार्ट्स हैं फेस के जो कि उठे हुए हैं, उस पार्ट्स पर हम लोग फेस के अप्लाई करेंगे हाइलाइटर, ताकि हमारे वो फेस जो है वो हाइलाइट्स हो सके। आई के इनर कॉर्नर पर हम लोग अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारे आईज़ है वो थोड़ी सी बिगर शेप में आएंगे। और इससे जो मेरा इनर कॉर्नर का आईलाइनर था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो मैं उसको फिर से अप्लाई करूँगी इनर कॉर्नर के आईलाइनर पे अच्छी तरीके से सेट करूँगी। और आई लुक सच में प्यारा लग रहा है ना, क्यूट लग रहा है ना, मानना पड़ेगा अच्छा लग रहा है। आप लोग भी चाहो तो इस तरीके से अलग अलग आईलाइनर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। और सिर्फ 5 मिनट में ये मेकअप हो गया था, बिलीव नहीं करोगे। और एक छोटा सा मोल्स लगा देते जिससे नज़र से भी बचे रहे हम लोग। ये सब एक्चुअली मजाक है, मुझे मोल्स पसंद है लिप के नीचे। सो या अब मैं आती हूँ मांकी का और हेयर स्टाइल करके। सो चली मैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियोस अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करना, शेयर करना, ढेर सारा कॉमेंट्स करना। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर होगी हमारी आपकी मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।